हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल ज्ञान जोन। दोस्तों, आज मैं आपको 7 रीज़न दूंगा कि आपको ये फ़ोन क्यों खरीदना चाहिए और 2 रीज़न ऐसे दूंगा कि आपको ये फ़ोन क्यों नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और पास वाले बेल को दबाना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, इसका पहला रीज़न है इसका अट्रैक्टिव डिज़ाइन। मतलब यह फ़ोन अगर हाथ में लेंगे तो आपको काफ़ी प्रीमियम महसूस होगा, क्योंकि जिसका डिज़ाइन है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको आपके साइड में आपको कर्व डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जो इस फ़ोन को एक प्रीमियम लुक देता है। आपको लगेगा कि हाँ, आपने एक अच्छा फ़ोन आपने पकड़ा हुआ है। दूसरा रीज़न है इसका 18 वॉट का फास्ट चार्जर। आपको बॉक्स में 18 वॉट का फास्ट चार्जर देने को मिलेगा, मतलब आपको अलग से बाय करने की ज़रूरत नहीं है, आपका फ़ोन फटाफट चार्ज हो जाएगा। तीसरा रीज़न है इस फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि इसके फ्रंट और बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। मतलब ये फ़ोन काफ़ी ड्यूरेबल है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब है रीज़न 4, इसका प्रोसेसर। इस फ़ोन में जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो किया गया है मीडियाटेक का G90T। दोस्तों, ये काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, मतलब इस फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी होने वाली है। आपको कहीं भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, पबजी भी आप आराम से खेल सकेंगे। अब बात करते हैं रीज़न 5 की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। मतलब 4500 एक हैवी यूज़र है, आप गेमिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं तब भी 1 से 1.5 दिन इस फ़ोन के साथ आपका आराम से चला जाएगा। अब जो 6 रीज़न है वो है इसकी फ़ोन की मेन हाईलाइट। इसमें आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलते हैं। इसका फर्स्ट कैमरा है 64 MP का, सेकंड कैमरा है 8 MP का, थर्ड कैमरा है 2 MP का, और जो फोर्थ कैमरा है वो भी है 2 MP का। अगर आप इस फ़ोन से पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपको जूम करेंगे तो आपको कहीं भी पिक्सल फटे हुए नहीं दिखाई देंगे। काफ़ी अच्छा कैमरा दिया गया है। और रीज़न 7 है वो है इसका प्राइस। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रेडमी के प्राइस काफ़ी अग्रेसिव होते हैं। इस फ़ोन की प्राइस है 13,999 स्टार्ट होगा, और प्राइस के मामले में से जो हम देखेंगे ओवरऑल फ्यूचर्स, तो प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा मोबाइल है, आपको वैल्यू मनी देगा। और 2 रीज़न मुझे ऐसा लगे कि हाँ, वहाँ थोड़ा सुधार हो सकता था इस फ़ोन में। इसका पहला रीज़न है इसका एक हाइब्रिड स्लॉट, क्योंकि इसमें आप एक टाइम पे एक मेमोरी कार्ड या एक सिम लगा सकते हैं या 2 सिम लगा सकते हैं। तो हाइब्रिड स्लॉट के जहाँ अगर डेडिकेटेड माइक्रो एसडी स्लॉट होता तो बढ़िया रहता। रीज़न 2 है इसकी IPS डिस्प्ले। दोस्तों, IPS डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी होती है, पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले थोड़ी बेटर होती है। अगर सुपर एमोलेड स्क्रीन इसमें होती तो दोस्तों मज़ा ही आ जाता, इस फोन का मुकाबला कोई नहीं कर पाता। चलिए दोस्तों, ये थे आपको 7 रीज़न और 2 रीज़न जो आपको इसमें मैंने बताया। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल को दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।